गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई यार, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मुझे तो मन कर रहा है कि बस तुरंत अभी इसमें डुबकी लगा लूँ। चलो गाइस, थोड़ा सा हम लोग नहा लेते हैं यार अपने इस कमाल के स्विमिंग पूल में। वैसे फ्रैंकिन भैया, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं भी आ जाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल भाई, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे गाइस, एक बार अंदर हम लोग डुबकी लगाते हैं। चलो टाइमर देखते हैं हम लोग कितनी देर तक अंदर डुबकी लगा के रह सकते हैं। तो ये भाई, हम लोग अंदर की तरफ डुबकी लगा दिए एंड एक मिनट, यहाँ पे ये क्या चमक रहा है? फ्रैंकिन भैया, क्या है वहाँ पे? भाई पता नहीं यार, हम लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई डोर जैसा है जिसमें भाई कुछ अजीब सा चमक रहा है गोल्डन कलर का। फ्रैंकिन भैया, वो क्या चीज है? हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। गाइस आप लोग भी देखे ना, वहाँ पे भाई कोई छोटा सा दरवाजा है और भाई दरवाजा इतना छोटा सा हमारे पूल में, और हमें पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं फ्रैंकिन भैया, शायद वो बाद में आया होगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, घर हमारा इतने सालों से बना हुआ है और वो बाद में कैसे आ सकता है? ये देखो गाइस, यहाँ अजीब सा चमक है, लेकिन हम लोग इसे खोलेंगे कैसे यार? इसका चाबी वगैरह तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तो आज जबकि पता चल रहा है कि यहाँ ऐसा भी कुछ है। फ्रैंकिन भैया, फिर तो किसी तरह उसका ताला हमें तोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, तोड़ना तो पड़ेगा यार, रुक जाओ जरा यार। एक यार, अभी यहाँ पे मैं स्टिकी बॉम्ब फेंकूंगा इसके अंदर और ये टूट जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। ये देखो गाइस, यहाँ पे हमने स्टिकी बॉम्ब फेंका। एक बार हम लोग यार अंदर चल के देख लेते हैं कि सही से वो सेट हुआ है या फिर नहीं। चलो यहाँ से हम लोग डुबकी लगाते हैं अंदर। हाँ अब चल के जरा देखें भाई कि वो वहाँ पे लग गया है या नहीं। एंड हाँ गाइस, यहाँ देख सकते हो वो स्टिकी बॉम्ब सही जगह पे अपना चिपक गया है। मेरे ख्याल से ना हमें एक आग और लगा देनी चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, मैं बाहर चलता हूँ और एक दो और हम लोग फेंक देते हैं। या रुक जाओ भाई, एक से पहले फेंक के देखें, ऐसा ना हो भाई कि अंदर कुछ माल मसाला हो और वो सब खराब हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसे ब्लास्ट करते हैं। अरे भाई साहब, ये तो बहुत जोर का ब्लास्ट था यार, मुझे इतनी तेज चोट लग गई भाई। लेकिन दरवाजे को लगता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये क्या मजाक है? फ्रैंकिन भैया, क्या हो गया, नहीं खुला अभी तक? पता नहीं यार, रुको जरा जाके देखने दो मुझे। और भाई ये तो यार जस का तस है यार, ये तो कुछ भी यार निशान तक नहीं पड़ा इस पे कि हम लोग स्टिकी बॉम्ब फेंके थे, क्या मजाक है यार। फ्रैंकिन भैया, ये क्या कर रहे हो आप, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई यार, मैं नहाने क्या गया, यहाँ पे मुझे ऐसा कमाल का चीज मिला है कि अब मुझे भाई ये जानना है कि आखिर इसके अंदर है क्या। रुको गाइस, यहाँ पे आरपीजी वाला गन चलाएं क्या इसके ऊपर? हाँ यार एक मिनट, थोड़ा लेकिन पीछे होके हम लोग चलाते हैं यहाँ पे आके। फ्रैंकिन भैया, आप हम लोग पे मत चला देना। नहीं भाई, मैं रुको आराम से इस पे चलाता हूँ यहाँ से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा यार वो कहाँ पे है। फ्रैंकिन भैया, आप ज्यादा पास जाओगे तो आपको चोट लग सकती है। हाँ भाई दिख गया, यहाँ पे ये देख सकते हो भाई, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे हम लोग शूट करते हैं और कुछ नहीं हुआ यार, पता नहीं भाई। एक बार और चला देते हैं गाइस। चलो यहाँ पे दो बार हमने चला दिया है, अब जरा अंदर चल के देखें। अबे यार, मुझे अंदर डुबकी मारनी है, वो भाई हमें ऊपर से ऐसे कूद के जाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, एंड भाई अभी भी ये चमक रहा है वैसे ही, क्या मजाक चल रहा है सिंचन, ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्रैंकिन भैया, कोई और ट्रिक तो नहीं है उसे खोलने का? भाई ऐसा कौन सा ट्रिक होगा यार जिससे वो खुलेगा? फ्रैंकिन भैया देखो, कहीं कोई इसका बटन हो आसपास। भाई पता नहीं यार, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है, कहीं हमारे दादा परदादा ने ये तो बनवाया नहीं है। पता नहीं फ्रैंकिन भैया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे पहले कभी नहीं दिखा है वो। भाई दिखा तो मुझे भी पहले कभी नहीं है, आज मुझे पहली बार ये पता चला है, लेकिन इसका बटन वगैरह तो कहीं कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं फ्रैंकिन भैया, फिर तो लगता है हमें इसे किसी तरह तोड़ना होगा, या फिर हम लोग और बड़े बड़े वेपन्स लाएं इसे तोड़ने के लिए। भाई एक मिनट यार, मेरे पास एक ये मशीन गन है ना, हम लोग इससे भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे हम लोग इससे ट्राई करें एक बार गाइस इसका, लेकिन ताला किधर है यार, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो फिर भी चलाते हैं इसी पे भाई, एकदम जोरदार, एंड यार बस टूट जाए ये। यार कोई नॉर्मल दरवाजा होता था कितनी आसानी से टूट जाता है। रुको भाई, मैं जरा एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे रुको भाई मैं एक कबाड़ा दरवाजा लेके आता हूँ। जैसे देखो गाइस, ये सामने मैंने एक दरवाजा ले आया, अब इसे अगर हम लोग तोड़ें तो ये भी नहीं टूट रहा है यार, क्या मजाक चल रहा है। मतलब भाई हम लोग का गन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि एक दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता भाई, इसे बस ये थोड़ा सा डैमेज कर पा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से तो ये तोड़ भी नहीं पा रहा है, क्या मजाक चल रहा है यार। वो लकड़ी का दरवाज़ा है और ये वाला मुझे लगता है लोहे का दरवाज़ा है भाई, फिर तो ये और भी ज़्यादा मजबूत होगा। चिंचन क्या करें यार, कुछ आइडिया तो दो मुझे। फ्रैंकिन भैया, आप क्या कर सकते हो, मुझे पता नहीं। भाई कुछ तो बताओ यार, कुछ सोचो। फ्रैंकिन भैया, आप ऐसा करो, आप इससे भी भारी कोई गन लेके आओ। भाई इससे भारी गन कौन सी आती है यार, मेरे पास सब कुछ है, तुम बोलो तो। यहाँ पे मेरे पास रेल गन भी है, रेल गन हम लोग चला के देखें।
ठीक है फ्रैंकलिन भैया, एक बार रेल गन भी चला के देख लो। भाई रुको, ये रहा और यहाँ से हम लोग चलाते हैं। ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गन है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से काम नहीं बन रहा है। चलो एक बार यार जोर से यार यहाँ से जंप लगाते हैं और देखें एक बार नीचे चल के अभी तक कुछ इस पर फ़र्क पड़ा। यार ये चमक क्यों रहा है, चमक रहा है ना वो। एक मिनट भाई, यहाँ देखो कुछ फ़र्क पड़ा है, यहाँ पर निशान पल चुका है। ओ भाई मतलब हमारा यार काम कर रहा है ट्रिक। यहाँ पे भाई देखो हम लोग गोलियाँ जो चलाए थे वही गाइस निशान डाला है यहाँ पे, और भाई इसका मतलब कि ये अब खोल सकता है किसी तरह। गाइस मेरे ख्याल से ना वो जो हम लोग मशीन गन चला रहे थे उससे हम लोग खोल सकते हैं। रुको भाई, फिर से मशीन गन हम लोग निकालने का आ गया, एंड ये रहा मशीन गन। चलो गाइस फिर से इसी पे चलाते हैं यार, मशीन गन काम कर जाए और इसमें पता चल जाए क्या है, क्योंकि जो चमक रहा है ना इससे मुझे डाउट हो रहा है कि पक्का इसके अंदर कुछ खजाना वजाना हो सकता है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, क्योंकि सोने वगैरह में चमक तो होती है बहुत अच्छी सी। हाँ भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये चमक रहा है ना तो हो सकता है इसके अंदर कोई खुफिया खजाना हो, हमारे दादा परदादा ने यहाँ पे छुपा के रखा हो। क्योंकि भाई ये पूल है और इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं करेगा कि इसके अंदर कोई खजाना हो सकता है। या सिंचन मेरे पास एक ड्रिल मशीन भी है, उससे भी हम लोग मदद ले सकते हैं यार, क्या कहते हो? हाँ फ्रैंकलिन भैया, एक बार उससे भी करके देख लो। हाँ यार रुको, मैं ड्रिल मशीन लेके आता हूँ, लेकिन इसमें यही है कि खड़े कैसे होंगे हम लोग। चलो कोई नहीं भाई, यहीं से चालू करके नीचे ले चलेंगे उसे किसी तरह। तो गाइस यहाँ देख सकते हो हम लोग यार इसे तोड़ने में लगे हुए हैं। वैसे नीचे से कुछ भाई दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, हालांकि भाई मैं चला रहा हूँ यार ड्रिल मशीन उस पर, बस ये टूट जाए यार तो मज़ा आ जाए। काफ़ी मुश्किल से मैं भाई यहाँ पे सीधा खड़ा हूँ और भाई बड़ा परेशानी हो रहा है यार सच में इसे खोलने में। फ्रैंकलिन भैया कुछ असर पड़ रहा है क्या? पता नहीं यार, मैं अभी तक ट्राई तो कर रहा हूँ यार लगातार, लेकिन देख सकते हो गाइज मेरी बस मुंडी बाहर है। हम लोग यार सीधा एकदम स्ट्रेट खड़े हैं ताकि बस सांस लेते रहें और भाई ये मशीन चलते रहे। मशीन भी भाई हो सकता है ख़राब हो जाए। हाँ फ्रैंकलिन भैया, उसे आप पानी के अंदर चला रहे हो, सकता है वो ख़राब हो जाए। बिल्कुल भाई, हमें शायद निकल जाना चाहिए और एक बार देखना चाहिए ये क्या हुआ है, इस पर कुछ असर पड़ा है या फिर नहीं। चलो गाइज तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जंप लगाते हैं और ज़रा नीचे चल के देखें क्या यहाँ पे कोई असर पड़ा है। और भाई अभी भी यहाँ पे बहुत से निशान तो बने हुए हैं, जैसा कि तुमने भी देखा निशान तो बहुत से ऐसे हैं, लेकिन अभी भी वो भाई टूटा नहीं है। फ्रैंकलिन भैया मैं एक बार जाके देखूँ क्या? हाँ हाँ जाओ भाई, तुम देख सकते हो एक बार। चलो गाइस तो मैं भी जरा चल के देखता हूँ इसके नीचे। फ्रैंकलिन भैया क्या सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अरे हाँ, यहाँ पे तो काफी ज्यादा अजीब सा ये स्पार्कल हो रहा है। बिल्कुल सिंचन, ये बहुत अलग सा स्पार्कल है यार, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ बहुत ज्यादा खुफिया सामान है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, हो सकता है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे बहुत सारा खजाना हो हमारे लिए। बिल्कुल भाई, और फिर हम लोग काफी ज्यादा अमीर भी हो सकते हैं। हाँ तो फ्रैंकलिन भैया कुछ भी कोशिश करके उसको खोलो ना। भाई मैंने आरपीजी चला के देख ली यार, मशीन गन चला के देख ली, स्टिक की बॉम्ब लगा लिया मैंने, अब क्या करें हम लोग? फ्रैंकलिन भैया क्या हम लोग इसका पानी हटा सकते हैं? भाई हो तो सकता है यार, शायद हम लोग पानी हटा दें। ठीक है तो फ्रैंकलिन भैया किसी तरह इसका पहले पानी निकालने का कुछ जुगाड़ करो। अच्छा ठीक है भाई, रुको देखता हूँ मैं। चलो गाइस तो सिंचन जैसा कि बोल रहा है ना, एक टैंक हम लोग लेके आते हैं वहाँ से पानियों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि भाई वो तो उसमें भरा हुआ है सारा का सारा पानी। अब भाई कोई टैंक लाना होगा जिसमें भाई पाइप लगा के हम लोग सारा पानी उस टैंकर में भरेंगे। एंड गाइस टैंक की इसलिए भी ज़रूरत पड़ेगी यार, क्योंकि वही भाई पानी खींचेगा उसके अंदर से और भाई बाहर निकालेंगे, उसके बाद भाई हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा उसमें उस डोर को खोलना। एंड हाँ गाइस ये भी हो जाएगा कि हम लोग अच्छे से देख पाएंगे अच्छे से भाई वहाँ हम लोग जो भी चलाना होगा, या तो हम ग्रेनेड वगैरह चलाएं या भाई कोई आरपीजी वगैरह हम लोग शूट करें, सब कुछ हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो चलो अभी जल्दी से ना कोई वो पानी वाला टैंकर लेके आते हैं हम लोग। चलो गाइस तो ये वाले बिल्डिंग पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखो ट्रक एक यहाँ पे लगी है, किसी से पूछना पड़ेगा, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो सर, क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद कर देंगे? इस ट्रक को मैं थोड़ी देर के लिए लेके जा सकता हूँ? अरे तुम ऐसे कैसे इस ट्रक को लेके जा सकते हो? बस मैं थोड़ी देर में दे दूंगा इसे वापस, मेरा घर उधर जो वाइनवुड वाला तालाब है ना उधर ही है, और मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तो आप लोग मुझे थोड़ा ले जाने दीजिए उसे। अच्छा ठीक है, लेके जाओ पर समय से पहुंचा देना। ठीक है दोस्त, मैं लेके जाता हूं और मैं पक्का टाइम से इसे पहुंचा दूंगा। चलो गाइस हम लोग यार इस ट्रक को लेके चलते हैं। इसमें देखो पीछे ये बड़ा सा टैंकर बना हुआ है ना, इसमें भाई पानी वानी भर जाएगा, और मिली भी है तो कैसी यार कबाड़ा सी एकदम, देख लो पूरा जंग लगा हुआ है। भाई ये चल तो पाएगी ना वहाँ तक हमारे घर तक? देखते हैं भाई, चल तो जानी चाहिए। चलो गाइस अब यहाँ से इसे तेज़ी से निकालते हैं
हमें, क्योंकि भाई रोड से तो जाना नहीं होगा, हमें उधर पहाड़ियों साइड से जाना होगा, उधर से भाई हम लोग पीछे लगाएंगे तभी तो इसमें पानी पड़ेगा। चलो गाइस अब जल्दी से इसे लेके चलें, वो दोनों वेट कर रहे होंगे हमारा घर पे। तो ये देखो गाइस अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लें तो हम अपने गेट पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से राइट घूमें तो हम लोग अपने पूल की तरफ निकलेंगे। तो यही भाई हमें बस करना है। अरे यार थोड़ा संभाल के कहीं हम लोग इसे ना तोड़ लें, यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगी गाइस। यही बस दिक्कत है कि हमें यार किसी तरह इसे ऊपर वहाँ तक चढ़ा के ले चलना होगा तभी भाई हम लोग इसमें पानी भर पाएंगे। चलो यार एक बार ना फिर से हम लोग पीछे जाते हैं ज़्यादा सा और फुल स्पीड में चढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो स्पीड में चढ़ते हैं। एंड गाइस ये पेड़ आ जा रहा है यार सामने, यही दिक्कत कर रहा है भाई। मेरे ख्याल से कहीं और आगे से रास्ता देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं यार, और आगे से रास्ता होना चाहिए। वो देखो गाइस हमारा घर यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, बस यार इस ट्रक को किसी तरह वहाँ पर हमें पहुँचाना है। गाइस यहाँ दीवार पे ये चढ़ेगी क्या? चलो कोशिश करते हैं शायद चढ़ जाए। नहीं यार यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगी भाई, कैसे जाएं हम लोग उधर यार। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो गई। सिंचन चौप को भी मैं नहीं बुला सकता यार, वो लोग क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि भाई इस ट्रक को किसी तरह बस इस बाउंड्री के उस पार लेके चलना है फिर हमारा काम बन जाएगा। यहाँ देखो यहाँ से एक रास्ता खुला हुआ है, शायद अगर यहाँ से हम लोग इसे टर्न करें। लो भाई इतनी लंबी ट्रक है कि इसे टर्न करना भी एक मुसीबत है। ये देखो गाइस पूरा ही रोड ही यार ये छेक दे रही है, मतलब भाई फिर कोई आ ही जा ना पाए। चलो गाइस फिर से अब हम लोग मेरे ख्याल से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ क्यों है यार, इतने पेड़ क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, कौन लगाया है भाई? फंस गई क्या हमारी ट्रक? नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे लगता है। चलो गाइस मेरे ख्याल से इधर से भी नहीं काम बन पाएगा, हम लोग एक बार अपनी गेट की तरफ चलें। एंड ये देखो इस तरफ आ चुके हैं, मेरे ख्याल से अगर हम लोग इधर से निकाल लें अपनी ट्रक को बाहर। हाँ भाई एक बार यहाँ से भी हम लोग ट्राई करके देख ही लेते हैं, अगर इतना हम लोग कर लिए तो यहाँ से इधर हम लोग चलते हैं। गाइस क्या हो रहा है यार, मैं कहाँ फंसता जा रहा हूँ ये। चलो 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 घूम गई। एंड यहाँ पे गाइस एकदम बराबर का ये जगह है इसके अंदर, एंड ये हम लोग इधर आ चुके हैं। बहुत सही यार, बस यहाँ से अब हम लोग नीचे ना फिसल के चले जाएं, अब धीरे धीरे करके हम लोग इधर से अपने घर के साइड जा सकते हैं। चलो आराम से भाई फिसल ना जाए, नहीं तो पूरा यार मेहनत हमारा पानी में चल जाएगा। एंड ये हम लोग भाई ये फिसल तो चुकी थी लेकिन हमने इसे सीधा कर लिया है, अब बस ऊपर चढ़ा दे किसी तरह। यस 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 जाने वाली है। ट्रंकिर भैया आप आ गए यहाँ पे? हाँ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ यार इसे लाने में। ये देखो गाइस हमने यहाँ पे अपने पूल के पास इसे ला दिया है। बहुत सही यार, अब हम लोग इसका पानी खाली करने वाले हैं। चलो सिंचन चौप तैयार हो जाओ यार यहाँ से पानी निकालने का काम करने के लिए। गाइस आज किसी तरह हमें देखना है यार इसके अंदर क्या ही है। चलो गाइस फटाफट अब हम लोग यार पानी कनेक्ट करते हैं एंड निकालते हैं। तो ये गाइस देख सकते हो यहाँ पे पाइप लगा दी है हमने और पानी भाई धीरे धीरे इसमें से निकलने लगा है, और बस ये फटाफट खाली हो जाए। एक बार हम लोग नीचे चल के जरा देखें भाई वो स्पार्कल अभी भी हो रहा है या फिर बंद हो गया। चलो यहाँ से हम लोग एक बार ऊपर निकलते हैं और डुबकी लगाते हैं नीचे जोर से, और भाई एक बार अंदर चल के देखें। और ये देखो गाइस स्पार्कल तो यार अभी भी हो रहा है वैसे ही, और यहाँ जो भाई हमने गोलियाँ चलाई थी वो सब रिकवर हो गया है। रंकिन भैया क्या कह रहे हो यार, रिकवर हो गया है क्या वो? भाई पता नहीं यार वहाँ पे जो डैमेज हुआ था सब ठीक हो गया ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं भाई अभी पानी निकलेगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग किसी तरह तो भाई उसको खोलने तो वाले ही हैं, तभी तो यार हम लोग उसके अंदर जाके देखेंगे कि आखिर क्या है। तो गाइस ये पानी वाला टैंकर तो हमने लगा दिया है, अब भाई जब तक ये पानी यहाँ से निकलता है तब तक यार हम लोग ना एक जो मिलिट्री वाली टैंक होती है वो लेके आते हैं। अब वो तो भाई हमें मिलिट्री से मिलेगी, तो हम लोग चलते हैं भाई मिलिट्री से एक टैंक लेके आने के लिए। फ्रैंकलिन भैया मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? नहीं भाई तुम यहाँ पे वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में तुरंत लेके आता हूँ उसे। चलो गाइस हम लोग उधर से अपनी कार ले लेंगे और तब तक भाई यहाँ से ये पानी निकल भी जाएगा और फिर यार हम लोग आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं जो वो स्पार्कल कर रहा है। चलो जल्दी से अपनी बाइक को उठाते हैं और फटाफट पहुँचते हैं मिलिट्री बेस पे। चलो तो गाइस ये देखो सामने आ चुका है मिलिट्री बेस, अब बस यहाँ पे हमें कोई रोके नहीं यार। हम लोग वैसे किसी से पूछ के जाने वाले हैं, ऐसे नहीं लेके जाएंगे यार चोरी करके, या हो सकता है वो हमें किसी के साथ भेज दे। हालांकि भाई अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है यार इतना खाली खाली कब से मिलिट्री बेस रहने लगा। हेलो सर क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बोलो क्या हो गया? सर मुझे एक टैंक चाहिए। हाँ टैंक चाहिए, टैंक का क्या करोगे तुम? सर मुझे टैंक इसलिए चाहिए कि मेरे घर का एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, बस उसी को खोलना है। हाँ अरे दरवाजे खोलने के लिए टैंक चाहिए, उसके लिए चाबी चाहिए होती है।
सर वो चाबी वो भी कुछ है नहीं, आप प्लीज़ एक टैंक मुझे दे दीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें टैंक तो मिल जाएगा लेकिन कोई तुम्हारे साथ जाएगा तभी। ठीक है, तो आप अगर आना चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गाइस तो वो बंदा तो चला गया, लेकिन उसने भाई इसे हमारे साथ भेजा, ये भी एक मिलिट्री का ही आदमी है। अब ये भाई टैंक हमें दिलवाएगा और हमारे घर तक भी चलेगा। देखते हैं भाई अब यहाँ पे टैंक कहाँ पे है। भाई बताओ यार टैंक है कहाँ पे, तुम तो यहीं पे रहते हो, तुम्हें पता होगा। हाँ हाँ आगे चलो, तुम्हें टैंक अभी मिल जाएगी। चलो गाइस देखते हैं यार आगे कहाँ टैंक मिलेगी, फिलहाल यहाँ तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या भाई झूठ उठ कह रहे हो क्या? अच्छा नहीं नहीं रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ कहाँ पे टैंक है। चलो गाइस ये जा रहा है यार कहीं बात करने के लिए, जाओ भाई जल्दी बात करके आओ, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ आओ, पता चल गया है कहाँ पे है। भाई कहाँ पे है जल्दी बताओ। अरे हम लोग बस पहुँच ही गए थे, थोड़ा और आगे जाना है। चलो गाइस आगे चलते हैं, बस आगे यहाँ से लेफ्ट घूम जाना। लेफ्ट? अच्छा ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे टैंक खड़े हैं यार एक लाइन से ही। चलो सही है यार यहाँ पे, अब जल्दी से हम लोग इसमें बैठते हैं और चलते हैं। आओ भाई आओ जल्दी से बैठ जाओ। चलो गाइस फटाफट हम लोग इसमें बैठे और लेके इसे निकलते हैं। वैसे इसमें जगह तो एक ही रहता है यार, ये बैठेगा कहाँ पे? चलो भाई बैठने का जगह नहीं था तो ये ऊपर खड़ा हो गया, ये भी ठीक है यार ऊपर खड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जल्दी से इसे घर पे लेके चले। अब तक तो यार वो जो हमने पानी निकालने के लिए वो टंकी लगाई थी अब तक खाली कर दिया होगा मेरे ख्याल से। एंड गाइस ये टैंकर आ चुकी है यहाँ से, अब इसे भाई हम लोग ऊपर कैसे चढ़ाएं, ये तो यार और भी ज़्यादा भारी भरकम है। जैसे हम लोग उस वाली ट्रक को ले गए थे ना, मेरे ख्याल से उसी तरीके से अगर हम लोग ले चलें तो इसे भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब इससे यार वो नहीं टूटा ना, फिर तो भाई कुछ भी नहीं तोड़ सकता उसे। चलो अब संभाल के गाइस हम लोग इसे अपने घर की तरफ लेके चलें। तो गाइस उसी रास्ते से हम लोग इस टैंकर को भी लेके आ चुके हैं। टैंकर भैया आ गए आप? हाँ बिल्कुल भाई, टैंक तो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन ये पानी क्यों नहीं निकला अभी तक? टैंकर भैया पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है। अच्छा एक मिनट भाई, हम लोग पानी निकालने को तो लगा दिए लेकिन भाई इसमें जो पानी आ रहा था वो तो हमने बंद ही नहीं किया। अरे टैंकर भैया ये क्या आप बेवकूफ़ी वाला काम किए? भाई यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार, अब तो और भी ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। अरे मैं इतनी देर रुक नहीं सकता, तुम्हें जल्दी जो करना है करो, मैं टैंकर लेके जाऊँगा। अच्छा ठीक है सर रुकिए, मैं अभी कुछ काम करता हूँ। गाइस यार मेरे ख्याल से ये यार टंकी वाला काम नहीं हो पाएगा, हमें ये पाइप हटाना चाहिए और यार जल्दी से अपना काम करते हैं। चलो सिंचन चौप उधर खिसको, और भाई यहाँ पे ये जो सब सामान है ना इसे भी उधर साइड करना होगा, यहीं पे भाई हम लोग इस टैंक को लगा के सूट करने वाले हैं। ठीक है फ्रैंकिट भैया जल्दी जल्दी सब कुछ हटाते हैं। चलो गाइस तो ये देख सकते हो ये एरिया पूरा हमने खाली कर दिया है, अब जल्दी से भाई टैंक पे बैठते हैं और वहाँ सूट करना शुरू कर देते हैं। भाई इससे खुल जाना यार प्लीज़, अब और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमने बहुत कोशिश कर ली, स्टिक की बॉम्ब वगैरह लगा दिए, अब टैंकर लाएगा यार अब तो खुलना ही चाहिए इसे। चलो यहाँ पीछे करते हैं, अब किसी तरह भाई बस अपने इस वाले प्लेटफॉर्म पे इसे चढ़ा देते हैं। हालांकि भाई इतनी पावरफुल टैंकर है चढ़ तो जाएगी आराम से। अब बस यहाँ से निशाना लगा के हम लोग इसे चलाने वाले हैं, 3, 2, 1। और देखो यार कितनी ऊपर तक ये पानी उछला है, मतलब भाई ये तो काम करने वाला है। चलो फिर से एक बार चलाते हैं। सिंचन तुम डर रहे हो क्या? अरे नहीं फ्रैंकिट भैया मैं क्यों डरूंगा। भाई देखने में तो लग रहा है कि तुम डर रहे हो। गाइस अब तक तो यार इस पे कुछ फर्क पड़ा होगा। अरे तुम इसे ज्यादा आगे मत लेके जाओ, हो सकता है ये पूल में गिर जाए। अच्छा ठीक है सर मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। चलो गाइस यहाँ पे चलाते हैं और 2-4, और अब चल के देखते हैं खुला या फिर नहीं। चलो फटाफट अंदर चलते हैं। गाइस यहाँ से अब मुझे जंप लगाना है। एंड एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो यार, वहाँ पे वो जो स्पार्कल हो रहा था वो और भी ज्यादा ऊपर तक आने लगा है। एक मिनट भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये खुल चुका है, अब यहाँ से जरा हम लोग नीचे में जंप लगाएं और चल के देखें। और भाई ये देखो ये तो ओपन हो चुका है, और भाई यहाँ पे बहुत तेज स्पार्कल आ रहा है। आ जाओ सिंचन चौप, चलो चलते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। हाँ फ्रैंकिट भैया आ रहे हैं हम लोग। एंड सर आप इस टैंकर को लेके जा सकते हैं अब। चलो गाइस वो आदमी तो चला गया है, अब आओ सिंचन चौप चलते हैं यार देखें आखिर इसके अंदर है क्या। चलो यहाँ से हम लोग जंप लगाते हैं और चलते हैं इसके अंदर। और ये देखो गाइस हम लोग यार यहाँ पे आए हैं इस वाले रास्ते से जो भाई हमारे पूल से था। एंड ये हम लोग कहाँ आ गए मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक मिनट यहाँ आगे भाई एक हमें व्हेल दिखाई दे रही है, और चौप तुम यहाँ पे कब आए? रंकित भैया इसी रास्ते से मैं आया। भाई ये क्या मजाक चल रहा है यार, हम लोग पानी के अंदर हैं क्या? हाँ फ्रैंकिट भैया मुझे भी यही लग रहा है। भाई यहाँ पे आसपास देखो, वहाँ एक वेल तैर रही है और उधर भाई कुछ मछलियाँ ऐसे मरी पड़ी हैं। यहाँ देखो भाई एक डॉल्फिन भी है यार, हो ना हो हम लोग पक्का कोई अंडर वाटर हाउस में हैं। और ये लेकिन बनाया कौन? फ्रैंकिट भैया लगता है आपके ग्रैंडफादर में बनाया होगा।
हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो गाइस क्या शानदार घर है यार, ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं था, क्या मजाक चल रहा है। और ये देखो इतना ज्यादा आलीशान है, मेरे ख्याल से जो हमारा ओरिजिनल वाला घर है उससे भी ज्यादा। वैसे गाइस हम लोगों को ये पता नहीं था कभी, या फिर भाई हमसे ये कोई छुपा के रखा हुआ था। एंड गाइस ये देखो हम लोग तो यहाँ पे हैं भाई, ये लोकेशन तो एकदम जाना पहचाना सा है, और भाई हम लोग जानते नहीं थे इस जगह को। यार मुझे लगता है कि मैं ही इसका ओनर हूँ, क्योंकि गाइस ये हमारे घर में मिला है। तो चलो गाइस कम से कम हमें सक्सेसफुली पता तो चला कि हमारे पूल के अंदर जो दरवाजे से लाइट निकल रही थी वो क्या चीज़ का था, और वो था भाई ये आलीशान सा घर। तो चलो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। सिंचन तुम हो कहाँ पे? फ्रैंकलिन भैया मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई एंजॉय करो, वैसे गाइस यहाँ पे बहुत सारे बेडरूम है यार। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।